बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रेस्पिरेशन। टुडे टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन। व्हेन द फ्यूल इज़ बर्न, इट चेंज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, चेंज द कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन इनटू द वाटर, एंड दिस प्रोसेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, दिस एनर्जी विल बी चेंज इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ द पैकेट विच इज़ नोन एज ATP, हैंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ब्रेक डाउन। वैन इट ब्रेक डाउन एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, दिस एनर्जी चेंज इन टू इन द फॉर्म ऑफ द ATP एंड पैक्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस फ्यूल बर्न, जब फ्यूल को जलाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है, साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो रिलीज होती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ वी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। वन टाइप इज एरोबिक एंड अदर इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस, एट द ग्लूकोज मेक चेंज इन टू कार्बन वाटर एंड द एनर्जी विल रिलीज। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मेक चेंज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन नाउ वी एक्सप्लेन द एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल। इन एरोबिक रेस्पिरेशन दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन टू स्टेप्स। वन इज ग्लूकोज चेंज इन टू पाइरूविक एसिड। पाइरूविक एसिड पहला मरहला ये होता है, ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। दूसरे मरहल में पाइरूविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है। पाइरूविक एसिड को कन्वर्ट जब करते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है बेटे, एनर्जी साथ रिलीज होती है। यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द एनर्जी विल रिलीज। दिस एनर्जी विल बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ द ATP पैकेट एंड स्टोर्ड इन अ बॉडी। नाउ विद द इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस द C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। रेस्पिरेशन, जब ईंधन को जलाया जाता है, ईंधन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने का अमल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन अमल करके पानी बना लेता है। यह अमल सेल के अंदर हो रहा होता है और एनर्जी खारिज होती है। सेल के अंदर जो एनर्जी खारिज होती है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसकी दो अकसाम हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ग्लूकोज की तोड़ फोड़ की जाती है, ग्लूकोज को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अमल करता है, ग्लूकोज की तोड़ फोड़ की जाती है और इस अमल को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान पाइरूविक ग्लूकोज को पहले मरहले में पाइरूविक एसिड में तब्दील किया जाता है, पाइरूविक एसिड की फिर ब्रेक डाउन की जाती है। जब पाइरूविक एसिड की ब्रेक डाउन की जाती है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन अमल करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन अमल करके पानी बनाता है, एनर्जी साथ ही खारिज होती है। इस अमल को मुख्तसर तौर पर मुसावात के हम यूँ ज़ाहिर कर सकते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6O2 गिव्स अस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। इस अमल के दौरान जो एनर्जी पैदा होती है, छोटे छोटे तवनाई के पैकेट्स होते हैं, इस एनर्जी को तवनाई के पैकेट की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है, जिसे ATP की शक्ल में बदला जाता है और इसको बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये आज का टॉपिक था बेटा, इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।